फूल पत्तियां। ये क्या कर रहे हो तुम, मेरा मिमिक कर रहे हो। वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ पहुंच जाते हैं, कट्टरवाद की तरफ पहुंच जाते हैं, वो मत करो। तीन मिनट हमारी गड्डी थे, इस पे पड़ गई है धूल। अमीनिशा जाने से पहले मैं आपको पहले क्या कर रहा हूँ, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है दोस्तों। अमीनिशा जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं चा क्यों रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि मैंने कल एक शर्ट ली हुई थी। मैंने आपको बताया था हम लोग फेयरवेल करा रहे हैं ऑर्गेनाइज अपने सीनियर्स के लिए, तो उस फेयरवेल में पहनने के लिए मैंने एक शर्ट ली हुई थी। और जब मैंने शर्ट जाकर ले ली, फिर जब मैं पहन लिया, फिर मैंने उसका एक फोटो अपलोड किया इंस्टाग्राम पे, तो एक कमेंट आया इंस्टाग्राम पे ना, यूट्यूब पे एक कमेंट आया, यूट्यूब के मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला हुआ था फोटो, तो कमेंट आया कि भाई ये शर्ट में जो है एक जानवर की फोटो बनी हुई है, जिसके वजह से चिड़िया थी, स्वान बोलते हैं, स्वान बोलते हैं, स्वान ना, हंसराज, एक हंसराज की फोटो थी उसमें, तो उसके जैसे नमाज नहीं होती वो, तो मुझे याद दिलाया उसने, तो मुझे भी याद आ गया। मैं कहा यार, तो वो शर्ट मुझे वापस करनी है और उसके जगह मैं कोई और शर्ट ले लूंगा जिसपे कोई और प्रिंट हो, उसी के लिए मुझे अमीनिशा जाना पड़ा। तो चलिए चलते हैं, चलो। तो अभी मैं नहा के निकलूँ, ये देख रहे हैं पूरा टी शर्ट भीग चुका है। जब चलेंगे गाड़ी चलेगी तभी शायद जाके उस सुकून वाली हवा मिले। पूरे दिन गाड़ी चलाते रहते, इतना महंगा पेट्रोल है, पूरा दिन गाड़ी कौन चला पाएगा। अच्छा, यू मीन टू से आई हैव टू राइड द बाइक फॉर द होल डे। पैसे दे दिया करो तुम मुझे, 2000 रुपए रोज दो। सुन रहे हैं आप सब लोग, मुझे एक एक रुपए डोनेशन दे दें, मुझे बाइक में पेट्रोल डलाना है, रोज मैं बाइक चलाऊंगा ताकि हवा है तो मुझे गर्मी ना लगे। तो सब लोग एक एक रुपए दें, तो आप 5000 में से अगर 2500 भी देंगे तो मेरे पास 2500 हो जाएगा। गुलाब जामुन देख रहे हैं कितनी तेज धूप है, खैर फिर भी हम जाएंगे, जद्दोजहद जारी रहेगी। गाइस आप देख सकते हैं फिर से आंधी तूफान आया, फिर से पेड़ गिर गया, रोज इधर पेड़ ही गिरता रहता है कैंपस में। हम तो सोच रहे हैं कि भैया आप लोहे का टीन बनवा ले अपने सर के ऊपर ही परमानेंटली। मैं जा रहा था अमीनिशा, तो बीच में मेरे सब्सक्राइबर मिल गए मुझे बीच रास्ते में। क्या नाम है आपका? जकरिया भाई। जकरिया, अमीनिशा पे मिले जकरिया भाई। हम आगे थोड़ा सा आगे, अमीनिशा पीछे निकल गए, आई मीन अमीनिशा की गली पीछे निकल गए। घुमाना पड़ेगा हमको। It's like I'm gone to you. Perhaps you know how it feels. यंत्र हमको दे दो। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। अरे ऑन है ना। अच्छा चेक कर लूं। दुकान थी जहाँ से मैं लेकर गया था, इधर थी। ऑनलाइन मंगाना सबसे आसान रहता, ऑफलाइन मंगा लो तो ऐसी झमेला होता है। ये थी अंदर माश वेयर। ऐसे फ्लोरल में ही रहे, बट उस पे कुछ बना ना रहे, मतलब जानवर वगैरह ना रहे। फूल पत्तियां इसके जैसी कोई नहीं है। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था, इस कपड़े में नहीं है कपड़ा बहुत सही था। ये लाइक्रा है क्या है? कॉटन प्लस लाइक्रा है शायद, तो ये इतना सॉफ्ट। ये दूसरा, ये वाली फाइनल हो गई है, इसी को दे दीजिए। शर्ट वगैरह लेकर हो गया, अभी नमाज का वक्त हो गया, जोहर का अभी हम ढूंढ रहे हैं, मस्जिद जाके माथा टेक लेगा तुरंत। बड़ी मस्जिद का सर सैयद नगर। होल्ड इट प्लीज, होल्ड इट। और ये हम गलियों की ओर बढ़ते हुए, आगे गंदगी ही गंदगी। भाई 200-300 रुपए ले ले, जल्दी से पहुंचा दे। कितनी गंदी हालत है सड़क की। कितनी लंबी मस्जिद है, कितनी बड़ी है भाई। दो फ्लोर अभी और है, छोटा नेपाल है। बैठो, अभी हम लोग जैसे यहाँ पे पहुंचे, हमें याद आया हमारी क्लास हो रही है, याद नहीं आया मतलब नोटिफिकेशन आया हमारी ऑनलाइन क्लास चलने वाली, तो ऑफलाइन क्लास में हम लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे। हाँ, ऑफलाइन क्लास में नहीं, ऑफलाइन होकर ऑनलाइन क्लास करेंगे।
आई एम ऑल्सो कमिंग सर, वेट फॉर मी प्लीज, वेट फॉर मी। सिर्फ 5 लोग हैं क्लास में, देख रहे हैं कितना महंगा कोर्स है। सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते इतना महंगा कोर्स, सिर्फ 4-5 लोग ही क्लास करते हैं। गाइस क्लास मेरी चलते 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 मैं आखिरी वक्त में जो है दम ही तोड़ गया, मतलब कि मैं सो गया था क्लास के एंड होते होते होते। ना मुझे पता चला ना सर को पता चला मैं कब सोया। 2 मिनट की गुफ्तगू करनी थी कुरान हदीस की रोशनी में, बहुत ही लाइट सी हदीस थी आपसे शेयर करनी थी। जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, जैसे कि मैंने एक शर्ट ऐसी पहनी जिसमें पिक्चर्स थे, तो उस पे किसी ने ऑब्जेक्शन किया और मुझे रिमाइंड किया कि इस पे जानवर की फोटो है तो आप नमाज नहीं होगी, तो उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उसको जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा हाँ ये सही चीज है, मुझे याद आ गया, ध्यान में आ गया। हालांकि ऐसा नहीं कि पहले नहीं पता था, मुझे पता था, बट मुझे फिर से रिमाइंड हो ध्यान में आ गया कि हाँ ये गलत चीज। मैं जाकर शर्ट को वापस करता हूँ, दूसरी शर्ट लेके आता हूँ। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अल्लाह ताला भी कुरान में बोलता है रिमाइंड, इंडीड रिमाइंडर बेनिफिट्स द बिलीवर। लोगों को जो है याद दिलाते रहो, क्योंकि याद दिलाना जो है उनके लिए फ्रूटफुल होता है, उनके लिए काम वाली चीज है, उनके फायदे की चीज। एक चीज तो ये हो गया, बट दूसरी चीज जो मैं आपसे बोलना चाहता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में, लोगों के लिए जो है दीन को टफ मत बनाओ, बहुत ही लाइट सा दीन है। और जो लोग इस दीन को टफ बनाते हैं अपने लिए दूसरों के लिए भी, वो उसको ज्यादा तक उसको कैरी कर नहीं पाते और फिर वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ पहुंच जाते हैं, कट्टरवाद की तरफ पहुंच जाते हैं। वो मत करो दीन में, कभी भी कट्टरवाद मत करो, मॉडरेट रहो हमेशा। इस्लाम का नाम ही है मॉडरेशन हर चीज में। बात मुझे ये बोलनी थी कि हम अक्सर करके जब किसी को रिमाइंड करते हैं ना, जिस तरीके से करते हैं वो बहुत मैटर करता है। मेरी आपने कोई गलती देखी है तो आप अगर इस तरीके से मुझे रिमाइंड कर रहे हो कि टॉन्ट मार के, तो मैं जिंदगी में कभी नहीं सुधरने वाला, ना आपकी बात को एक्सेप्ट करने वाला, ऊपर से आप मेरे नजर में सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे। जरूरी कि आप बिना टॉन्ट मारे लोगों को रिमाइंड किया करो कि भाई ऐसी सी चीज है, ये गलत है, आपने इसके हिसाब से गलत किया। उसमें अगर आपको हदीस पता है तो उसका रेफरेंस है, तो नहीं पता है तो मत दो। मगर बात आपकी ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि आप केयर कर रहे हो मेरी तो मुझे सिखा रहे हो। ये नहीं कि आपको घमंड है, तकब्बुर है, आप अपने आपको बहुत बड़ा समझो, मुझे हकीर समझो तो मुझे सिखा रहे हो। ये मत करना जिंदगी में, वरना कोई नहीं आपकी बात एक्सेप्ट करने वाला। दूसरी चीज मैं आपसे ये बोलना चाहता था कि मैं अगर कुरान हदीस के बारे में बात करता हूँ अपने ब्लॉग्स में कभी कभी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ और मैं हर चीज सही करता हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारी गलतियां होती, दिन भर की रोजमर्रा की जिंदगी में इतने इतने गलत काम करता हूँ मैं। मुझे उस लेंस से मत देख, उस नजरिए से मत देखें कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ। आप एक आम आदमी मुझे समझे, और जो गलतियां होती हैं उसमें आप मुझे रिमाइंड करें बस, कैसे गलती क्या तुम्हें, ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा मुझसे। तो बस यहीं पर मैं एंड करता हूं, ये 2 मिनट की जो मजलिस थी उसको मैं बर्खास्त करता हूं। थोड़ा बहुत काम शाम करके फिर शाम को वापस आएंगे, शाम वैसे हो चुकी है, रात में वापस आएंगे। आ गया आपके बीच में व्लॉगर आ गया। लाइफ इज वंडरफुल अंटिल एंड अनलेस एम खान कम्स। क्या कर रहे हो तुम, मेरा मिमिक कर रहे हो, मार दूंगा तुमको लौटा के, समझ गए। मी एंड माय पल्टन गोइंग फॉर चाय, शाम की चाय के लिए हम जा रहे हैं। और ये हम आ गए कैंटीन पे, बोलो ऑर्डर करो ना, क्या कुछ खाओ चाय। ये हाथ दिखा के ऑर्डर करो, क्या बदतमीजी है, हाथ दिखा के इशारे कर रहे हो, गंदे इशारे कर रहे हो। That's it for today. मैं खत्म करता हूँ अपने ब्लॉग को, यहीं पर मिलते हैं नए ब्लॉग में। उससे जाने से पहले 2 बातें आपको ध्यान रखनी, एक मेरा सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़ाना, आपको 6,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से करा दीजिए, 3-4 दिन में आप मेरे 6,000 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए जल्दी से एकदम जद्दोजहद करके। और मैं इंस्टाग्राम का यूजर नेम देता हूँ, आप जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे BTS वगैरह आप चेक कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, फिल्टर्ड अनफिल्टर्ड कॉन्टेंट वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉग को एंड करता हूँ, वक्त आ चुका है इस ब्लॉग को खत्म कर देने का, ये काटना पड़ेगा मुझे।